हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो कुछ भी कमी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अभी इस वक्त मैं हावड़ा रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा और बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। आप सभी देख सकते हैं, ये देखिए हावड़ा, बाहर से बाहर का नज़ारा देखिए हावड़ा रेलवे स्टेशन का, कुछ ऐसा दिखता है। तो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है हावड़ा रेलवे स्टेशन, आप सभी देख सकते हैं। और यहाँ पे हर समय ऐसे ही भीड़ रहता है। तो आज मैं जो जर्नी करने जा रहा हूँ वो है इंडिया का 7th वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम हावड़ा टू न्यू जलपाईगुड़ी, जिसका आज पहला कमर्शियल रन है। तो चलिए देखते हैं कितना नंबर प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेन लगाया है। तो आप सब ऊपर देख सकते हैं, हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस डिपार्चर 555 फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 11। तो चलिए 11 नंबर प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। तो आप सभी देख ही सकते हैं, वो वहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस लग चुका है। चलिए चलते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं वंदे भारत एकदम ब्रांड न्यू, आज इसका पहला कमर्शियल रन है। तो आप सभी देख ही सकते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस। ये देखिए आप सभी देख ही सकते हैं, मेक इन इंडिया ICF। देखिए सब फोटो निकाल रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा है। तो चलिए आपको इंटीरियर दिखाते हैं, चलिए आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। ये कुछ अंदर ऐसा है, ये ऑटोमेटिक गेट आते ही आपको खुल जाता है। तो ये इंटीरियर कुछ ऐसा है, आप सभी देख सकते हैं इंटीरियर को। तो ये है मेरा सीट 60। तो चलिए सीट सीट कंफर्टेबल के बारे में बताएं, तो सीट बहुत अच्छा कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा कंफर्टेबल सीट है। शताब्दी से भी अच्छा कंफर्टेबल सीट है। तो ये फुट रेस्ट है, ये आप देख सकते हैं फुट रेस्ट, ये फुट रेस्ट है। तो हम लोग आज कवर करने वाले हैं 565 किलोमीटर फ्रॉम हावड़ा टू न्यू जलपाईगुड़ी। देखिए सर आप लोग, ये देखिए ट्रेन लगा हुआ है एकदम। तो बस अभी ये कैटरिंग का सामान है, सब ये सब बोर्ड होने जा रहा है। उसके बाद फिर इसका आज ये पहला फर्स्ट कमर्शियल रन है। ऑन टाइम डिपार्चर हो गया है 5:55 में प्लेटफॉर्म नंबर 11 से। ऑन टाइम डिपार्चर। Thank you.
तो ये देखिए सबसे पहले न्यूज़पेपर दिया गया है संडे टाइम्स, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। और इसको रखने का जगह यहाँ पे है, आप पढ़ने के बाद यहाँ रख सकते हैं। देखिए न्यूज़पेपर होल्डर, मैगजीन होल्डर ये रहा, रख सकते हैं। और उसके बाद आगे देखा जाता है क्या क्या मिलता है कैंटीन में। तो ये देखिए ये है ट्रेन, पूरा फुल है, देख सकते हैं। वो डिस्प्ले में दिखाता, है कितना स्पीड, नेक्स्ट स्टेशन सब कुछ दिखाता है यहाँ पे। और ये है टचिंग लाइट, टच करते लाइट जल जाएगा। तो ये देखिए वो डिस्प्ले में बता रहा है कि कितना स्पीड में ट्रेन चल रहा है। अभी स्पीड 130 किलोमीटर पर प्रति घंटा है, ये देख सकते हैं। देखिए वेलकम ड्रिंक दिया गया है, वेलकम ड्रिंक रियल का मैंगो जूस है। ये एज यूजल पानी का बोतल, वेलकम ड्रिंक दिया गया है क्योंकि हमारी ट्रेन फुल रफ्तार में चल रही है, देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग को चाय सर्व किया गया है, देखिए। उसके बाद ब्रेकफास्ट सर्व करेंगे। ये देखिए अभी ट्रेन पूरा फॉग ही फॉग दिख रहा है। गेट खुलने वाला है, ये गेट खुल गया है। तो ये देखिए हम लोग अपने वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला हॉल्ट बोलपुर शांति निकेतन पहुंच चुके हैं। ये देखिए शांति निकेतन पहुंच चुके हैं। शांति निकेतन जहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर का घर है, ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, बोलपुर पहुंच चुके हैं। अब हम लोग अभी 165 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। ये देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस, ये पहला कमर्शियल रन का पहला स्टॉप है। ये देखिए अगला स्टॉप मालदा टाउन है, जो कि अप्रॉक्स 200 किलोमीटर होगा यहाँ से। ये ब्लिंक हो रहा है ये गेट, तो अभी देखिए अभी दरवाजा बंद हो रहा है। तो ये बोलपुर हम लोग अभी डिपार्ट करेंगे। ये देखिए बोलपुर सभी डिपार्ट, यहाँ पे सब यूट्यूबर सब देखिए वीडियो बना रहे हैं, देखिए। और ये हमारा कैटरिंग, इन लोग अपने काम पे लगे पड़े हैं, सर्विस देने के लिए लगे पड़े हैं। इसी डिपार्ट हो रहे हम लोग बोलपुर शांति निकेतन। फर्स्ट में क्या क्या मिला है, नॉन वेज मैंने सेलेक्ट किया है। तो ये देखिए फिश ऑमलेट, और ये नोवा का बटर है, और ये जैम है, मिक्स जैम, और ये सैनिटाइजर, और इसमें फ्रेंच फ्राइज, बीन, गाजर है, और इसमें है जो ब्रेड है। ये है ब्रेकफास्ट नॉन वेज में। और ये हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस। ये देखिए वॉशरूम का, वॉशरूम बहुत साफ सुथरा एकदम। ये आपका सर हो गया, ये हैंड वॉश हो गया, ये ड्राई हैंड ड्रायर हो गया, ये हो गया वॉशरूम नीट एंड क्लीन है। ये देखिए
का डिस्टेंस 2.25 किलोमीटर है। ये बगल में रोड है और ये बगल में ट्रैक है, दोनों साथ ही में चलते हैं। लेकिन नदी तो नहीं दिख रहा, एकदम फॉग की वजह से नदी नहीं दिख रहा है कुछ भी। मालदा अराइव होने वाले हैं। मालदा पहुंचने ही वाले हैं हम लोग। ये देखिए स्टेशन घुसने से पहले अनाउंस भी करता है यहाँ पे, वहाँ पे स्पीकर लगा है, वो देखिए। देखिए हम लोग एक नंबर प्लेटफॉर्म पे अराइव हो रहे हैं। तो ये देखिए सभी लोग वीडियो बना रहे हैं बाहर से। এখানে আমরা প্রবেশ করলাম 10:15 আমাদের ট্রেনটা ছেড়েছিল হাওড়া স্টেশন থেকে 5:55 আর আমরা এখানে এলাম 10:15। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मालदा टाउन, जो कि इस ट्रेन का सेकंड हॉल्ट है। तो सेकंड हॉल्ट एकदम हम लोग टाइम से पहले पहुंच चुके हैं। तो ये गाड़ी अभी 20 मिनट और यहाँ पे रुकेगा। तो आप देख सकते हैं मालदा टाउन है। देखिए आप डिस्प्ले में बताता है कि ट्रेन नंबर वंदे भारत एक्सप्रेस। ये रही हमारी ट्रेन। चलिए हम लोग इस ट्रेन का आगे का पार्ट देखते हैं। चलिए वो देखिए सभी ब्लॉगर लोग ब्लॉग बना रहे हैं। अंदर क्या है देखिए यहाँ पे यहाँ पे सुना सर लीटर्स का लव। चलो भाई ठीक है आप लोग देख, चलो भाई देख लिए थैंक यू सो मच थैंक यू। ये देखिए एकदम हम लोग ऑन टाइम डिपार्ट हो गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। ऑन टाइम डिपार्चर। तो नेक्स्ट टॉपिक है बारसोई। अभी तक हम लोग यहाँ पे कवर किए हैं 330 किलोमीटर। नेक्स्ट स्टॉप इस बारसोई है, जो कि 90 किलोमीटर बाद आएगा।
डिपार्ट कर चुके हैं, ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है। ये देखिए अनाउंसमेंट करता है, बहुत अच्छा। ये देखिए लंच सर्व हो रहा है, ये लंच सर्व हो रहा है हम लोग को। लंच आ चुका है हम लोग का, तो हम लोग लंच देख सकते हैं। ये कढ़ाई चिकन है, दाल फ्राई है, आई थिंक ये राइस होना चाहिए, और ये दो स्वीट्स, और ये रोटी होगा, और ये स्वीट कर्ड, और ये पिकल। तो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। Back to the back.
हम लोग पहुँच गए न्यू जलपाईगुड़ी। देख सकते हैं एक नंबर प्लेटफॉर्म पे, बस 5 मिनट डिले पहुँचा एक नंबर प्लेटफॉर्म पे। टाइमिंग था 1:25, तो 1:30 में हम लोग NGP के एक नंबर प्लेटफॉर्म पर अराइव हुए हैं। देख सकते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस। तो यही तक था हमारा जर्नी वंदे भारत में। ओवरऑल रिव्यू दूंगा तो ट्रेन तो बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है, एकदम न्यू है, कंफर्टेबल भी है। खाना थोड़ा ठीक, पहला खाना थोड़ा सही नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा है, ट्रेन बहुत अच्छा है एकदम। ओके, तो देख सकते हैं हम न्यू जलपाईगुड़ी पहुंच चुका हूँ। देखिए न्यू जलपाईगुड़ी बाहर से कैसा दिखता है। तो यही ख़त्म करते हैं मेरा ये पहला ब्लॉग। तो यही, फिर मिलते हैं कोई और नया ब्लॉग से।